सुप्रभात बच्चों, आज की इस पढ़ाई में मैं आपको पार्ट 7 की ओर ले चलूंगा। देखिए, पार्ट 7 में है नारी का सम्मान। इसको लिखने वाली लेखिका वंदना चट्टा जी है। इन्होंने नारियों के बारे में वर्णन किया है। आखिर नारी होती है। नारी के सम्मान हेतु रची गई यह कविता में यह संदेश मिलता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज नारी पुरुषों के पीछे नहीं है। किसी किसी क्षेत्रों में तो पुरुषों से आगे निकल गई है, नहीं तो कंधा से कंधा मिला करके तो चल ही रही है। उनमें इतनी क्षमता है कि वह जो चाहे कर ले। आज वह पहले वाली नारी नहीं है जिसे प्रताड़ित किया गया, दबा करके रखा गया, अपमानित किया गया, और फिर भी वह मूक दर्शक के रूप में हर पीड़ा को सहती रहे। आज वो समय नहीं रहा, नारी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आइए कविता की पंक्तियों में बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी है। बलिदान, कहीं बलिदान देने की बात होती है, वहां भी नारी पीछे नहीं हटती है। ममता का तो प्रतिमूर्ति कहा गया है नारियों को। जितना नारियों के हृदय में ममता होता है उतना पुरुषों में नहीं होता है। ममता की मूर्ति कहा गया है नारियों को। त्याग तथा प्रेम के समन्वय के दृष्टांत नारी है। त्याग की भी भावना है इसमें, प्रेम की भी भावना है। त्याग और प्रेम के मिले हुए उदाहरण है, क्योंकि दृष्टांत में उदाहरण होता है। समन्वय का मतलब मिला जुला होता है। त्याग और प्रेम का मिला जुला उदाहरण है नारी। महान है तू नारी, महान है। जिसने इस सृष्टि को चलाया है, सृष्टि नारी के सहयोग से ही सृष्टि चल रहा है। सृष्टि को चलाने वाली नारी है।
वीरांगना भी है ना, वीरता में भी तुम मर्दों से कम नहीं हो। स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है तूने, लक्ष्मीबाई है, सरोजनी नायडू और बहुत से ज्वलंत उदाहरण हैं जो अंग्रेजों के साथ नारी होते हुए भी लोहा लिया है और मुंहतोड़ जवाब उसे दिया है। यूं तो पूजी जाती है संसार में क्योंकि जन्मदात्री है, और नारी की पूजा होती है पूरे संसार में क्यों कि जन्मदात्री है, जन्म देने वाली तुम ही हो। मर्द किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसमें इतना पावर नहीं है। वो अगर है किसी में तो वह नारी में ही है, इसीलिए उसकी पूजा होती है। हर गुण में जितना नर के पास है वो सारा गुण नारी अपने आप में ले लिया, लेकिन नारी में जो गुण है वो मर्द कैसे लेगा, पुरुष नहीं ले पाएगा। बच्चा पैदा करना उसमें सबसे बड़ा गुण है। आप तो कहते हो कि हम बंदूक लेकर के सीमा की रक्षा करते हैं, वो भी बंदूक लेकर के सीमा की रक्षा करने के लिए चली गई, वो भी अब सीमा की रक्षा करती है, वो भी अब सरकारी दफ्तर में काम करती है, वो भी अब हवाई जहाज उड़ाती है, ट्रेन चलाती है, आपका सारा काम वो करती है, लेकिन उसका काम आप नहीं कर पाइएगा तो मर्द से औरत ऊंचा हुई कि नीचा ऊंची हुई, इसीलिए उसकी पूजा होती है, उसे पूजी जाती है। मगर कहीं कहीं तेरे अपमान की सीमा न नजर आती है जन्म देने वाले पुरुषों, इतने के बावजूद भी अभी भी मर्द अपने आदत से लाचार है। किस मामले में लाचार है कि शुरू से जो औरत को प्रताड़ित करते आए हैं मर्द, आज भी वह उसी विचारधारा में जीना पसंद करते हैं। औरत को दबाना, कुचलना, मारना, गाली देना, प्रताड़ित करना कुछ मर्दों की आदत है। पहले तो नारियां ये पूछती थी कि हम पुरुषों पर आश्रित हैं तो पुरुष का हर बात सहना ही पड़ेगा क्योंकि कमा करके वो मुझे खिलाता है, ये मजबूरी थी उनके पास। लेकिन आज तो वह स्वयं कमाती है, जीवन के हर क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ गई हैं, फिर भी कुछ मर्द
अपने आदत से लाचार आज भी उन्हें अपने पैरों तले रौंदते हैं। उसका अपमान करते हैं। आज भी जन्म देने वाले पुरुषों को वही पुरुष जिसको नाड़ी ने जन्म दिया, वही पुरुष आज नाड़ी को अपने पैरों तले रौंदते हैं। उन्हीं पुरुषों के द्वारा जिन्हें वह नाड़ी जन्म दिया, उन्हीं पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित किए जाती है, की जाती है नाड़ियां। तू जीवन दूसरों को देती है, स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्काती है। नारी का देखिए स्वभाव ही है नेचर ही कि दूसरों को जन्म देती है, और ये सोचिए कि ऐसे ही जन्म नहीं हो जाता है। 9 महीना वह अपने गर्भ में पालती है, और यह 9 महीना का समय जो होता है बड़ा ही कष्टदायक होता है उसके लिए। मर्द 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिसको नारियां 9 महीना तक बर्दाश्त करती है। लेकिन हंसते हंसते उस पीड़ा को दूर करती है, स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्कुराती है। सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है, 9 महीना बच्चा को पेट के अंदर रखा भी, लाख मुसीबत आई, 9 महीना कष्ट सही, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराती रहे। लेकिन अगर वह बच्ची को जन्म दे देती है, बेटी के पैदा होते ही सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है कि बेटी के पैदा होते ही पिता अनजाने ही घबरा जाता है। माँ के गर्भ में जो है वही ना पैदा करेगी कि अपना हाथ से बना लेगी। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा होने पर अपने पत्नी को, अपने बहू को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, समय समय पर उसकी आलोचना करते हैं। अरे भाई कहाँ की बात है, उसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन ये तो मूर्खों का जो है जो कि खेला है। तो अगर वह मरपा लड़का को जन्म दिया तब तो खैर वाह वाह है, और लड़की को जन्म दिया पूरे परिवार का मुंह लटक करके जमीन में सट जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, इसका भोगुआ फिर उस नारी को भोगना पड़ेगा। यह नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति यह नहीं कहती है कि बेटी के जन्म होने पर मुंह लटका लो, निराश हो जाओ, उस औरत को प्रताड़ित करो जिसने बेटी को जन्म दिया है। ये सब हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संस्कृति में ये सब बात नहीं है। और ये हमारी मर्यादा भी नहीं है कि बेटी के जन्म होने के बाद
हम घर में तांडव करें, लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें, ये हमारी गरिमा नहीं है, हमारी मर्यादा नहीं है। नारियों का अपमान करें या जीवन देने वाली का तिरस्कार करें, ये हमारी मर्यादा नहीं है कि हम नारी का अपमान करें। जन्म देने वाली को प्रताड़ित करें, अरे नारियों का सम्मान करो, नारियों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि अब वो पहले वाली नारी नहीं रही, अब यही नारी आगे बढ़ के और पहले तो अपने माता पिता का ही नाम रोशन करती है, उसके बाद पति का और सास ससुर का नाम रोशन करती है। यह स्वावलंबी हो गई है, अपने पैर पर खड़ा हो गई है, और अपने पैर पर खड़ा होने का निरंतर प्रयास भी करती है। सिंगर नारी है लता मंगेशकर, भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल नारी थी, सुषमा स्वराज नारी है, बड़े बड़े खेल जगत से जुड़े हुए महिलाएं लड़कियां, तीरंदाजी में हो, है ना, मुक्केबाजी में हो, दौड़ में हो, देखो नारियां ही हैं। भारत का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री नारी इंदिरा गांधी ही रही, वो भी तो एक नारी ही थी। अगर जवाहरलाल नेहरू उसको जन्म के समय ही प्रताड़ित करते करते उसको मार देते, तो आज जो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनती। आज देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये भी नारी है, कितने मर्दों को पीछे छोड़कर के आगे बढ़ गई, वित्त मंत्री हो गई। तो नारी अब पहले वाली नारी नहीं रही, नारी अब बहुत आगे बढ़ गई है, हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद करना चाहिए कि नर और नारी इसी दोनों से यह पृथ्वी चलती है। अगर सारे लोगों के अनुसार सबको अगर लड़का ही हो तो फिर उस लड़के का क्या होगा, आगे चल करके लड़कियां नहीं होंगी तो शादी विवाह नहीं होगी उसकी, जिसके कारण सृष्टि विराम में आ जाएगा। यही सब बात है, नारी का सम्मान करो। नारी देवी के तुल्य है, इसलिए कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मैं कल आपसे इसी वक्त में मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि कोरोना का महामारी का ये बड़ा ही विकराल समय चल रहा है, इसमें पूरी एहतियात की आवश्यकता है। सतर्कता गई दुर्घटना हुई, थोड़ी सी लापरवाही के कारण कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी यह भी सोचिए। इसीलिए न खुद लापरवाही कीजिए और न खुद लापरवाह बनिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की इस पढ़ाई को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।